हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है। 7:45 का टाइम हो रहा है। अंश स्कूल जा चुका है, उसका लंच वगैरह मैंने बना दिया था और वो आज आलू के पराठे लेके गया है। आज सब्जी नहीं बनी थी, पहले रात में बहुत सर दर्द था, थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, तो अब मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। कल कटहल आया था, जब तक मेरा कटहल बॉयल होगा तब तक मैं पूजा कर लूँगी और बाकी की तैयारी। तो इस तरीके से आज का मेरा रूटीन रहने वाला है, जो भी जैसे भी होगा पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। भागा दौड़ी वाला रहने वाला है क्योंकि अंत तो स्कूल जा चुका है और श्रेय और मैं काम ढेर सारे हैं। वेजिटेबल धोनी अभी बहुत ज़्यादा आई पड़ी हैं, आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो ढेर सारे, तो वो धुलने हैं, बहुत सारे काम हैं। ये काम मैंने निपटा दिया है, किचन क्लीन कर दी है धुल के, क्योंकि एक बार सब्जी सारी धुल के रखी जाती है ना तो फिर आधा काम हो जाता है। अब फ्रिज में रखनी रह जाएंगी, तब तक ब्रेकफास्ट का काम होगा, लंच का, तब तक वो सूख जाएंगी, फिर उनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं है सुबह सुबह बातें करने का, अब मैं चलती हूँ किचन में। सबसे पहले जो है कटहल को कट करती हूँ, बॉयल होने के लिए रखती हूँ। कटहल कट कर लिया है और इसको रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए। पानी मैंने थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, तो यहाँ पे ये बॉयल हो जाएगा। और कटहल बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है पानी के साथ। फ्राई करने में टाइम लगता है, बॉयल में टाइम नहीं लगता। फ्राई करने से ये है कि ऑयली भी होता है और मुझे जो है, मुझे क्या, पूरे परिवार को ये बॉयल वाला अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फूल भी रेडी हो गए और जो है अब मैं चलती हूँ मंदिर में। सबसे पहले करूंगी पूजा, जब तक हमारा कटहल बॉयल हो जाएगा। बीच में इसको मैं देख लूंगी क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए कटहल का मैंने थोड़ा सा ही पानी था, ज़्यादा पानी आज नहीं चढ़ाया था, थोड़े से पानी में बॉयल किया है, तो ये मेरा अच्छे से जो है बॉयल हो गया है और बस यहाँ पे तैयारी हो गई है। ये देखिए प्याज चॉपर में चॉप करके रख लिया है, यहाँ पे चॉपर में ही टमाटर हो गए हैं, तो इतनी सारी जो है हमारी तैयारी हो गई है। फटाफट से कटहल बनाएंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने दिया, फिर थोड़ा उसको ठंडा किया और फिर इसमें डाल दिया हींग और जीरा। इसके बाद डाल दूंगी ये चॉप की हुई प्याज जो मैंने चॉपर में कर ली थी, और इसको भूनना है गोल्डन सा कलर आने तक। नॉर्मल सा तड़का, सिंपल तड़के के साथ कटहल की सब्जी बनाऊँगी। और कटहल की सब्जी किस किस को पसंद है, कैसे कैसे आप लोग बनाते हो, फ्राई करके बनता है, बॉयल करके मैं बनाती हूँ, मुझे नहीं पता कोई और भी बनाता है बॉयल करके, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ। फ्राई करके भी बनाया था मैंने, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो इसमें आता है। तो यहाँ पे नॉर्मल से मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, सॉरी हल्दी पाउडर पहले ही मैंने डाल दिया था, हल्दी नहीं डाली है, सिर्फ कश्मीरी रेड चिली डाली है, तीखी वाली डाली है, और थोड़ा सा जो है इसमें धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके अब इसमें डाल दिया है ये टमाटर, जो कि चॉपर में दरदरा सा मैंने कर लिया था, बहुत ज़्यादा वो नहीं, पेस्ट नहीं डाला, उसको चॉपर में दरदरा कर लिया है टमाटर को। और सॉल्ट डाल दिया है थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा मैंने बॉयल होने में भी डाल दिया था, थोड़ा सा इस टाइम पर डाल दिया है, हल्दी नहीं डाली। और ये देखिए बिल्कुल खिला खिला हमारा कटहल एकदम सूखा रखा हुआ है, जो कि पहले ही मैंने रख दिया था। थोड़ा सा पानी था इसमें, बहुत ही थोड़ा, जो मैंने निकाल दिया था, जो बड़े पीसीज हैं और जो इसके बीज हैं। ये देखिए ये जो बीज होते हैं ना, इनमें एक लेयर सी ऐसी होती है इसका छिलका, जो कि बिल्कुल प्लास्टिक जैसा होता है, तो ये मैं हमेशा निकाल के वो छिलका उतारती हूँ, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है।
और यहाँ पे जब तक कटहल देखा बड़े पीस छोटे किए तब तक हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें अच्छे से जब टमाटर भुन जाए ये मसाला अच्छे से पक जाए फिर इसमें मैं डाल दूँगी कटहल। कटहल बनने में बॉयल है अगर कटहल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, वैसे कटहल बनने में टाइम लगता है। कटहल डालने के बाद अच्छे से हल्के हाथ से इसको जो है मिक्स करूँगी जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाए और बस थोड़ा सा इसको और पकाना है मतलब भूनना है जिससे कि मसाले का फ्लेवर कटहल के अंदर आ जाए। पानी वगैरह कुछ नहीं, एकदम सूखा मीडियम आँच पे इसको मुझे भूनना है थोड़ी देर के लिए और बहुत ही टेस्टी सा कटहल बनके हमारा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल खिला खिला अलग अलग सा। कवर कर दिया है बीच में, फिर मैंने इसको एक दो बारी चला दिया और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कटहल बनके तैयार हो गया है। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाया, आप फ्राई करके बनाते हैं वो बहुत ऑयली हो जाता है, तो आप इस तरीके से बना के देख सकते हैं। और इसके साथ पराठा रोटी जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था खाने का। उसके बाद पे हम माँ बेटा लग गए हैं काम पे, श्रेय लग गया है बाहर धुलाई पे और मैं लग गई हूँ अंदर अपना काम निपटाने के लिए जो कि किचन का काम है। माँ बेटा मिलकर झटपट करेंगे काम। श्रेय ने सारी जो है बाइक वगैरह बाहर निकाल दी और उसके बाद फिर धुलाई कर दी है। मैं भी जल्दी जल्दी लग गई हूँ क्योंकि हम दोनों फिर शॉप पे जाएंगे। श्रेय मुझे छोड़ के फिर घर आ जाएगा और मैं शॉप पे रहूँगी, तो मैं भी यहाँ पे लग गई हूँ क्योंकि मेरा काम बहुत फैला हुआ था यहाँ पे। किचन वगैरह भी ऐसी पड़ी है। सब्जी मैंने धुली थी वो मुझे जो है फ्रिज में रखनी है, वो मैंने पहले ही धुल दी थी। इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। बर्तन वगैरह जो कटहल बचा हुआ था वो मैंने रख दिया है, खाली कर दी है कढ़ाई। तो बहुत सारे काम होते हैं किचन के, ऐसा नहीं कि बस खाना बना और जो है बर्तन हो गए। बर्तन के बीच में भी काफ़ी काम हो जाते हैं किचन के। बर्तन फैले पड़े हुए थे, मोटर चल रही थी तो मोटे मोटे से बर्तन धुल के फटाफट से मैंने डिशवॉशर में डाल दिए हैं। डिशवॉशर लोड कर दूंगी और जो दो चार बर्तन हाथ के करने होते हैं, कभी कम करने होते हैं कभी थोड़े ज़्यादा करने होते हैं, तो वो मैं बाद में हाथ से करूँगी। इससे पहले ये बर्तन का काम हो गया। अब जो है ये सब्जियां रखी हैं, इनको मैं सब्जी हैं फ्रूट्स हैं इनको मैं फ्रिज में इनकी जगह पे सेट कर दूंगी। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, टास्क होता है एक सब्जी को फ्रिज में सेट करना धुलने के बाद सूखने के बाद कैसे कैसे करना है। एक आजकल मैंगो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि फ्रिज में जगह नहीं होती है रखने की। मैंगो तो मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी बाहर ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा आए रखे हैं तो वो मैंने बाहर रख दिए थे धुल के सूखने के लिए। उससे पहले यहाँ पे दूध का भगोना था जो मुझे खाली करना है, मलाई उसकी अलग करनी है और आज मलाई को जामन लगेगा तो मलाई भी मैं अलग बर्तन में निकाल रही हूँ क्योंकि जो मलाई का डब्बा मैं रखती हूँ वो भर गया है। तो बहुत सारे काम ऐसे छोटे 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 काम हैं, आधा घंटा फिर भी लग जाता है। और अगर मुझे बर्तन करने होते तो इस काम में मुझे पूरा एक घंटा जाने वाला था और एक घंटा अगर मैं किचन में रहूँगी तो फिर मेरी शॉप पे जाने का टाइम बिल्कुल लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा रहता है। You
अब ये मैंगो बाहर रखे हुए थे जो मैंने धुल दिए थे, अच्छे से साफ़ करके सुखा के इनको रख देती हूँ, क्योंकि अब ज़बरदस्त वाला सीज़न मैंगो का चल रहा है। और फिर मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं दिन में, छोले भी मैंने भिगा दिए थे काम ख़त्म करके, तो अब रात में छोले बना रही हूँ। यहाँ पे ऑयल गरम किया, उसमें डाल दिए थोड़े खड़े मसाले, बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता डाल दिया है। बॉयल तो कर देता है सिरे, जीरा डाल दिया है, क्योंकि बॉयल का कुछ ऐसा नहीं है, जब तक मुझे बॉयल होके सब रेडी मिलता है। चॉपर में प्याज भी श्रेय ने चॉप करके रखी हुई थी जब तक मैं शॉप से आई, और बस अब फटाफट से जो है तड़का बनाऊंगी। तड़का मैं छोटी कढ़ाई में बना रही हूँ, जिससे कि मैं फिर कुकर में ही ये तड़का पलट दूँगी। इससे क्या होता है, काफ़ी सारी तैयारी मिल जाती है, तो आगे ये भी नहीं पता लगता कि खाना बना भी है कि नहीं बना है, बहुत जल्दी बन जाता है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी में चावल ज़्यादातर बनते ही हैं, शाम को मोस्टली चावल ही बन रहे हैं। बारिश का मौसम होता है तो मैं फुलके सेकती हूँ, फिर चावल नहीं बनाती। और हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फुलके भी सेकने ज़रूरी हैं, चावल भी, रात में चावल से काम चल जाता है। फुलके कोई खाता ही नहीं है चावल के साथ, इनको कभी होता है तो इनके लिए मैं सेक देती हूँ, नहीं तो ये भी थोड़े बहुत चावल, कुछ सैलड इस तरीके से खा लेते हैं। और बस यहाँ पे हमारा जो है बातों बातों में मसाला भुन गया है, प्याज भुन गई है, इसमें डाल दिए रूटीन के मसाले, हल्दी, रेड चिली और जो है धनिया। चिली मैंने दोनों तरह की डाली है, कलर वाली भी और दरदरी कूटी हुई भी। इस तरीके से इसको किया मिक्स, और फिर डाल दूँगी इसमें टमाटर, हरी मिर्च भी डाल दी थी थोड़ी सी पेस्ट में, तो ये भी सिरे ने सब तैयार करके रख दिया था, इसलिए मेरा काम हो जाता है लेट आकर भी। लेट आती हूँ, 8:30 से पहले तो कभी आती ही नहीं हूँ शॉप से, कई बार 8:45 हो जाते हैं, कभी कभी 9 भी हो जाते हैं, तब तक तो खैर सिरे दाल चावल वगैरह बना ही लेता है जब तक मैं आती हूँ। इस तरीके का रूटीन रहता है मेरा शाम को, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं जल्दी आती हूँ खाना बनाती हूँ। हाँ, जिस दिन टाइम से आ गई, 8 बजे आ गई, कभी एक दिन ऐसा होता है जिस दिन 8 बजे आ जाती हूँ, नहीं तो 8:30 का मोस्टली मेरा टाइम होता ही है। तो जी सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, इसको कवर कर देती हूँ पकने के लिए। तो यहाँ पे तड़का हमारा अच्छे से भुन गया है और ऑयल सेपरेट हो गया है, इसमें डालूँगी मैं मसाला और उसके बाद ये कुकर में पलट दूँगी, तो फिर ये है कि बड़ी कढ़ाई से जो है काम चल जाएगा। यहाँ पे छोले मसाला मैंने डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा और इसको मिक्स करके पका लेती हूँ। छोले मसाला ब्रांड अब मुझे याद नहीं है कौन से ब्रांड का था, क्योंकि मैं इसको पलट लेती हूँ इसलिए। तो बस यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पे जो है कुकर की मैंने लिड लगा दी है, एक सीटी आएगी छोले रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे चावल बन रहे हैं, इधर मैंने लड्डू गोपाल के लिए बना दिए छोले बना दिए हैं, मतलब अलग उनके निकाल लिए थे। और ये देखिए टेस्टी वाले छोले चावल हमारे बन के हो गए हैं तैयार। छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं, पीले वाले मैंने बनाए हैं, काले वाले नहीं बनाए। और ये जो है आज की हमारी डिनर थाली हो गई है रेडी। आज के ब्लॉग में इतना ही, कुछ भी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।